अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस, रईस इंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और मुझे अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजते हैं। और नाज़रीन, अक्सर मैं अपने प्रोग्रामों में माजी की कुछ फिल्में या आने वाली फिल्मों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, और इसके बाद ऐसा भी होता है कि हमारे फ़नकारों के बहुत से ऐसे परस्तार हैं जिन्होंने समझो अपनी बाकी ज़िंदगी उन आर्टिस्टों या उन अदाकारों की जो परस्तारी है उसमें वो गुजार रहे हैं। कभी कोई तकरीब मुनक्कद करते हैं, कभी कोई अखबारों में जब उनकी बरसी या सालगिरह का दिन आता है तो वो उन अखबारात में इश्तारात भी देते हैं, और हर तौर पर कोशिश करते हैं कि वो अपने फ़नकार को सोशल मीडिया में ज़िंदा रखें। इसी तरह फेसबुक वगैरह में आप देखें तो अक्सर यही होता है कि किसी भी फ़नकार की बरसी या सालगिरह का दिन होता है तो उसी मुनासबत से उनके इश्तारात या मज़ामीन या तस्वीर भी वो फेसबुक वगैरह में शेयर करते हैं, जिन्हें हम अक्सर बेशतर देखते रहते हैं। नाज़रीन, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान के दो ऐसे फ़नकार जैसे जोड़ी कहते हैं के बारे में आप लोगों को बताऊं। हालांकि इनके परस्तारों को इनके बारे में तमाम मालूमात और आगाही है, लेकिन मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूं कि रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम पेश करूं जो इनके लिए भी एक रिकॉर्ड हो, और अक्सर बेशतर इनको अगर देखें तो इन जोड़ी की जो यादगार प्रोग्राम्स हैं उनको देखें। जी हाँ, मेरे आज के दोनों फ़नकार हैं गुलूकार अहमद रुश्दी और अदाकार वहीद मुराद। जैसे आपने इसके शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने वहीद मुराद और अहमद रुश्दी की तस्वीरें लगाई हैं कि मैं आज इनकी बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अहमद रुश्दी की। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1938 को भारत के शहर में पैदा हुए, वफात जो है 11 अप्रैल 1983 को कराची में हुई, और ये अप्रैल ही में इस दुनिया में आए और अप्रैल ही में इस दुनिया से चले गए। इसी तरह हमारा जो दूसरा फ़नकार है वहीद मुराद, जैसे हम चॉकलेट हीरो भी कहते हैं, और गाने पिक्चराइज करने में इसका तो कोई सानी नहीं। वहीद मुराद 12 अक्टूबर को पैदा हुए थे सियालकोट में, और 23 नवंबर 1983 को इनका इंतकाल हुआ था, और इनका इंतकाल इनके परस्तारों के अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि वहीद मुराद आप अपनी मिसाल आप थे। गाने पिक्चराइज करने में या गानों की सिचुएशन बनाने में इनका कोई सानी नहीं था, और पूरे पाकिस्तान के अलावा इंडिया के बहुत से आर्टिस्ट भी इनकी नकाली करते थे। इनका एयर स्टाइल, उनकी इनके जो ड्रेसिंग होती थी वो सबसे अलग होती थी। तो आगे चलते हुए कुछ इनकी और बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ बात करता हूँ अहमद रुश्दी की। अहमद रुश्दी एक ऐसा गुलूकार था जिनकी आवाज़ जो है तमाम अदाकारों पर बिल्कुल फिट रहती थी, ख़ासकर मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहिद पे। तो उन्होंने कोशिश ये की कि जैसे मेहदी हसन साहब में भी ये फ़न था, वो पूछते थे डायरेक्टर से कि भी ये गाना किस फनकार पे पिक्चराइज हो रहा है, तो उसी अपनी आवाज़ को उसी कालब में डब करते थे मेहदी हसन। तो ये ओनर भी अहमद रुश्दी के पास भी था कि वो देखते थे कि मेरा गाना किस अदाकार पे पिक्चराइज हो रहा है, मैं इस गाने को उसी तरह ही पेश कर सकूँ। तो वहीद मुराद पे इनके बेशतर गाने बहुत ही सुपरहिट रहे, बल्कि जैसे कहते हैं कि स्ट्रीट सॉन्ग्स। इन दोनों के गाने सुनने में भी मज़ा करते हैं और देखने में भी। इन दोनों की पहली मुश्तरका फिल्म थी दामन, जो 1963 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन दामन में अहमद रुश्दी का जो गाना था वो वहीद मुराद पे पिक्चराइज नहीं हुआ था। इन जोड़ी की का जो पहला गाना है वो वहीद मुराद की अपनी प्रोड्यूस करदा फिल्म हीरा पत्थर है। इस फिल्म के गाने हैं गोरी सिमटी जाए शर्म से, और मुझे तुमसे मोहब्बत है एक बार जरा धीरे से, तुम मेरे सनम कह दो
इसके बाद इन जोड़ी की जो दूसरी फिल्म है वो है कनीज। कनीज में एक गाना बहुत जो हम बचपन में टीवी पे देखते थे कि ज़ेबा एक कार गाड़ी में जा रही है, मोहम्मद अली एक कार गाड़ी में, तो वो बीच में बजमत गाना गा रहा है। और इसमें एक और ट्रेजडी गाना है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत बेहतरीन अंदाज में पिक्चराइज किया हुआ है। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए। इसी तरह एक गाना है प्यार में हम है जाने तमन्ना, जान से जाए तो मानोगे। ये कनीज फिल्म के तीन गाने, तीनों गाने सुपरहिट। इसके बाद वजमरत की अपनी एक और फिल्म है अरमान। इस यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। के तमाम ही गाने सुपरहिट थे। मेरे ख्यालों पे चाहिए एक सूरतमत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली बाली सी। उसके बाद फिर जिंदगी अपनी थी अब तक। अच्छा, इसके बाद गाना है बेताबो उधर तुम, बेचैन है इधर हम। अंदाज है अनोखा, तो बात है पुरानी, अन्य अनोखा तो बात है पुरानी, चाहत के सुर में डूबा एक गीत है जवानी, मैं गीतम तुम गीत की हो मतम। फिर एक और गाना है जो सुपरहिट गाना था, जो आज भी मशहूर है, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। ये गाना माला की आवाज़ में भी है और अहमद रुश्दी की आवाज़ में। और इसके बाद इस फिल्म का एक और बहुत ही ट्रेजिडी गाना है, जब प्यार में दो दिल मिलते हैं। मैं सोचता हूँ हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था। इसके बाद अब आते हैं अगली फिल्म पे। अगली फिल्म है भैया, ये ढाका की बनी हुई फिल्म थी। उसमें जाने मुझे क्या हो गया, अजीब मेरा दिल को गया, ये गाना है। दो गाना है। फिर इसके बाद एक और फिल्म आती है जोश। जोश एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी जिसमें पांच हीरो और पांच हीरोइन थे। और इस फिल्म का गाना है रात चली है झूमके, राहों को तेरी चूमके आ भी जा। उसके बाद एक गाना है जो बहुत से आर्टिस्टों ने मिलकर गाया है कि तुझको भी बनाया अल्लाह ने, मुझको भी बनाया अल्लाह ने। उसके बाद एक और गाना है चेड़ रही पगली पवन आजा पिया, ये भी एक दो गाना है। अगली फिल्म है इंसानियत। इंसानियत तो एक बहुत क्लासिक फिल्म थी इस शबाब किरानवी की। इस फिल्म में एक गाना है जाने बार जाने तमन्ना तुम्ही तो। यह इस गाने को जब मैं देखता हूँ तो इस गाने में मैं वजमरत की एक्टिंग देखता हूँ, जो वो रिदम पे डंग 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 उस इसी जगहों पर जो उनके एक्सप्रेशन है वो बड़े खूबसूरत है। अब मेरी जिंदगी मेरी दुनिया तुम्ही तो हो। ये गाना मैं जब भी देखता हूँ तो इस गाने को मैं दो या तीन बार ज़रूर देखता हूँ। उसके बाद वजमत की एक और क्लासिक फिल्म थी एहसान। इस फिल्म का गाना है ए मेरी जिंदगी ए मेरे हम सफ़र, ये माला की आवाज़ में और अहमद रुश्दी की आवाज़ में। दो गाना है। फिर दो अकियाँ दो सकियाँ, ये भी दो मरतबा इस फिल्म में है। फिर आजा के दिल बुला रहा है। उसके बाद एक और फिल्म आती है देवर भाभी। इस फिल्म का तो स्ट्रीट सॉन्ग है और इसके बाद फिर तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। अब हम आते हैं अगली फिल्म पे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि अहमद रुश्दी फैन क्लब के जो हमारे दोस्त हैं असद रुश्दी साहब, वो अक्सर और बेशतर अहमद रुश्दी की बरसी पर और सालगिरह पे मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करते रहते हैं। और अगर कोई और भी प्रोग्राम कर रहा हो अहमद रुश्दी के नाम से तो
प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं और अखबारात में अक्सर और बेशतर इश्तारात भी देते हैं। अगर सही मानों में कहा जाए तो परस्तारियत इसको कहते हैं। असद कुरैशी, जिसे हम असद रुश्दी कहते हैं, जो एक आला महकमे में एक अच्छे अफ़िसर भी हैं, लेकिन अहमद रुश्दी की मोहब्बत में अक्सर और बेशतर ये प्रोग्राम भी अटेंड करते रहते हैं। अब हम चलते हैं वज मुराद और अहमद रुश्दी के जो मुख्तलिफ फिल्मों में जो गाने हैं उन पर हम आपको आगाह कर रहे हैं। अगली फिल्म है तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, ये फिल्म दोराहा का गाना है। और दोराहा का एक और गाना है, हे अजनबी जरा सोच लो, ऐसा ना हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। ओ उसके बाद एक ट्रेजडी गाना है, भूली हुई उदासा गुजरा हुआ ख्यालों। इसी तरह एक और गाना है, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था। हाँ इसी मोड़ पर इसी जगह बैठकर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर छोड़कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इसी जगह बैठकर। जरा सा मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी गुनगुनाऊं। अब चलते हैं, एक और फिल्म है रिश्ता है प्यार का, इसमें मासूम सा चेहरा है। और अगली फिल्म है इशारा। आज अचानक बैठे बिठाए रूठी हुई तकदीर मन गई, वो हमसे रूठे तो मजा मनाने का। ये इशारा फिल्म के गाने हैं। इशारा फिल्म जो है वो वज मुराद की अपनी डायरेक्शन है, वज मुराद प्रोड्यूसर भी है और शायद इस फिल्म की कहानी भी वज मुराद ने लिखी है और बहुत खूबसूरत डायरेक्शन, बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में वज मुराद ने गानों की पिक्चराइजेशन, खासकर एक जो मोहल्ले का जो सेट है वहाँ पे, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने सितारे चमक उठे प्यारे, नजर में समाई है खुशी। आगे हम चलते हैं, आगे फिल्म आएगी अफसाना। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर है, यूं को गए तेरे प्यार में हम। इसके बाद हमको तुम्हारे सर की कसम, इस फिल्म के गाने भी बहुत सुपरहिट थे। अगली फिल्म है जहां तुम हुआ हम, ये शबनम और वज मुराद की फिल्म थी। इस फिल्म का गाना है, मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की गुजर तुम हो। और उसे देखा उसे चाहा, इसके अलावा एक गाना है, उसने जो देखा तुम्हारा। ये जहां तुम हुआ हम एक नाकाम फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के का ये गाना मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफ़र तुम हो बहुत कामयाब सुपरहिट गाना था। अगली फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी एक नगमाती फिल्म है। इस फिल्म की खूबी ये है कि जैसे ही फिल्म स्टार्ट होता है तो गाने से और ख़त्म भी होता है गाने पे। जो फिल्म स्टार्ट होता है सबसे पहले ये गाना है, गुजरे न शाम अकेली ओ वली बेली बुलाए तुझे प्यार मेरा। पर इसके बाद एक गाना है, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। इस फिल्म का एक और गाना है, रूठ गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की मैं का, बता क्या यही है तेरा प्यार। अगली फिल्म है समंदर, जो कराची में पिक्चराइज हुई समंदर के मौजू पर। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही खूबसूरत, इतनी बेहतरीन मेलोडी, यूं रूठ गोरी मुझसे दिल टूट गया जो तुझसे, जोड़ा ना जाएगा। उस फिल्म का एक और गाना है, साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, ये अहमद रुश्दी और मसूद राणा की आवाज़ में है। और बाद में इस फिल्म में वज मुराद ने अपनी आवाज़ में भी ट्रेजडी में ये गाना गाया है। अगली फिल्म वज मुराद की अपनी प्रोड्यूस करदा
एक नगीना इस फिल्म के डायरेक्टर एस ए हाफिज थे और इस फिल्म की मूसीकी बॉबी ने अंजाम दी थी और इस फिल्म के भी सब तमाम गाने हिट थे। मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। इसके अलावा एक और फिल्म नगमाती फिल्म बहुत क्लासिक फिल्म पाकिस्तान की गोल्डन जुबली फिल्म हिदायतकार फरीद अहमद की अंदली। इस फिल्म का एक गाना है दो गाना मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले तेरा शुक्रिया नूरजान और अहमद रुश्दी की आवाज़ में जो शबनम और वजमात पे पिक्चराइज हुआ। उसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत गाना है गैसुओं के आंचल में क्या रंग है सुनहरा। अगली फिल्म है फसाना है दिल। इस फिल्म का भी बहुत खूबसूरत गाना है अगर तुम प्यार से देखो तो अपनी जान फिदा कर दो। अब जाते हैं एक और फिल्म जो कराची की बनी हुई एक बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म है। इस फिल्म का गाना एक रूना लैला और अहमद रुश्दी की आवाज़ में जरा चुलबुला सा गाना है सुभान अल्लाह ये चेहरा अज़ीज़ ज़ुल्फ़ों का पहरा चंचल उमंग कुछ इस किस्म के अल्फाज है। उसके बाद फिर एक और गाना है सोचा था प्यार न करेंगे हम न किसी पे मरेंगे। इसके बाद प्यार मिल जाए तो हर बात असील लगती है। अगला गाना है माँ बेटा का दिल के चमन में फूल खिला महमूद रुश्दी और माला की आवाज में और पर मुझसे रूठने का तुम्हें और फिर तेरी आंखों के भीगे और क्या बुरा किया है। ये इस फिल्म के चार गाने हैं महमूद रुश्दी की आवाज में। अगली फिल्म पाकिस्तान की एक बहुत क्लासिक फिल्म ये समझ लो कि इस फिल्म की जो जितनी खूबसूरत कहानी है हसन तारिक ने उसको इतने अच्छा डायरेक्ट किया और इस फिल्म में वजमरा सबिया खानम ने भी बहुत अच्छा काम किया लेकिन रानी की जो अदाएँ हैं और निसार बज़मी की जो मूसीकी है इस फिल्म की हाईलाइट है। इस फिल्म का गाना बाबी मेरी बाबी तुम जियो हज़ारों साल और फिर लग रही है मुझे आज सारी फजा अजनबी। ये गाना पाकिस्तान की सुपर हिट और बिल्कुल क्लासिक गानों में इस गाने का शुमार होता है। इस फिल्म में जहां मूसीकार निसार बज़मी ने एक नशा और शराबी के जो दुने जो दिए उसमें जो टचेस दिए वो कमाल की पर अहमद रुश्दी और पर वहीद मुराद क्या बात पर रानी की अदाएं बहुत खूबसूरत गाना। आइए इसकी झलक हम आपको बताते हैं। आज शीशे में लग रही है मुझे आज सारे बजा। इसके अलावा इस फिल्म का एक और खूबसूरत गाना यादश बखैर बचपन में खेले थे घर आंगन में। अगली फिल्म है बेवफा। इस फिल्म का गाना है आपका साथ है और गुस्से में तुम पछताओगे आओ इस साल मोहब्बत का वादा कर लें और तुमने कह दिया हमने सुन लिया। अब इस ये फिल्म के चार गाने हैं मेरी लिस्ट में आप पता नहीं वजमात पे कौन कौन से गाने पिक्चराइज हुए हैं। अगली फिल्म है फिर चांद निकलेगा। इस फिल्म का एक गाना है बन के मदोश मेरे सामने ना आया करो और फिर चोर चले हम चोर चले लो शहर तुम्हारा चोर चले और मेरी दुनिया और मेरी जिंदगानी। उसके बाद एक फिल्म है नसीब अपना अपना ये भी एक नगमाती फिल्म है। जब भी बरसात का मौसम आता है ये गाना टीवी पर भी और रेडियो पर भी और हमारे फेसबुक पे दोस्त भी इस गाने को दोबारा लोड करते हैं। अपने करम आज इतना बरस के वो जा न सके और फिर हमसे न बिगड़ ए लड़की बहुत खूबसूरत गाना है और फिर दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना ये दिल है बेसहारा है नाज़िनी खुदारा इसको संभाल रखना। अगली फिल्म है अफशां। ये उनसे 71 की फिल्म है। इस फिल्म का गाना है कहिए क्या मिजाज है। अगली फिल्म है खामोश निगाहें जो बैरून मुल्क पिक्चराइज हुई है। इस फिल्म में भी वजमात के बहुत ही खूबसूरत गाने हैं मेरी महबूब असीना और कभी तो मांगो कभी तो ले लो और लाखों असी है मुझे तुम ही पसंद हो कभी तो मांगो कभी तो ले लो ये दिल हमारा मेरी महबूब हसीना करी चाहत है जीना और चाहे जान भी जाए। अगली फिल्म है रिमझिम।
इस पर है, इसके भी दो गाने हैं, सवाल पर मेरे खामोश आप आए लेकिन, और फिर जरा हम याद कर। अगली फिल्म है बंदगी, बंदगी में मेरी जान और आप माने ना माने मगर। अगली फिल्म है खलिश, इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत गाने हैं। इस फिल्म का गाना है कल अचानक सरे राह जो मिली थी मुझको, और गुस्से में गुलाबी चेहरे पे ये उलझे बाल, हाय हाय अरे सुभान अल्लाह। और प्यार प्यार होता है जब दिल दिल से मिलते हैं। फिर एक और दो गाना खूबसूरत, होंठों पे तेरा नाम आता है तो आने दो। अगली फिल्म है नागमनी, इस फिल्म के तमाम ही गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, और सिर्फ अहमद रुश्दी की आवाज में एक ही गाना है जो क्लासिक गाना है, एक अलबेली सी नार। आग लगाए ओ मन तड़पाए एक अलबेली सी नार। हिल स्टेशन, इस फिल्म का भी एक गाना अहमद रुश्दी की आवाज में है, आ जाओ अब आ भी जाओ। उसके बाद एक और फिल्म आती है हनोनी, ये इकबाल अख्तर की फिल्म थी, नादान के बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई और ये भी सेम इंडियन फिल्म की कॉपी थी। इस फिल्म के टाइटल में एक गाना है, हाय कहाँ वो कली जो कहीं ना मिली, ये गाना वज्रात पे ओवरले पिक्चर हुआ हुआ है। अगली फिल्म भी वज्रात की अपनी फिल्म है जाल, इस फिल्म के भी बहुत ही खूबसूरत गाने, इस फिल्म के हिदायतकार इफ्तिखार खान थे, मूसीकार नज़ीर अली, और इस फिल्म के खासकर गाने रिकॉर्डिंग के लिए जो वज्रात ने नज़ीर अली को कराची बुलवाया, इफ्तिखार खान को भी कराची बुलवाया, और कराची में होटल में रहकर इस फिल्म का जो टेबल वर्क है वो उन्होंने यहाँ पे किया था। इस फिल्म का इस फिल्म के गाने हैं दिल की धड़कन मद्दम मद्दम, और बन जाती मेरी किस्मत हो जाते वारे न्यारे, मैंने दुनिया से अलग ऐसा महबूब सुना, और फिर एक ट्रेजेडी गाना है अंगारा मेरा मन अंगारा अंगारा। अब हम चलते हैं आगे वज्रात और निशो की फिल्म मुलाकात। इस फिल्म का पोस्टर मुझे आज तक याद है, बहुत खूबसूरत था, और इस फिल्म में भी जो गाना है लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, एक मुनफरद गाना था। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। इस फिल्म का एक और गाना के अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कह दो मुझे तुमसे प्यार है, ये नूरजहान और अहमद रुश्दी के बाद में बहुत ही खूबसूरत गाना था। अगली फिल्म है उसे देखा उसे चाहा, इस फिल्म के भी गाने बहुत मशहूर थे, ये लड़की प्यार के काबिल हमें मालूम होती है, बादामी आंखों वाली एक मोटर बंगले वाली, और मेरे महबूब रुक जाओ तुम्हें देखा तो ऐसा लगा ये नज़ारे हलामा। इस फिल्म के पांचों गाने बहुत ही सुपरहिट थे, खासकर बादामी आंखों वाली एक मोटर बंगले वाली, मिल जाए अगर तो क्या कहना। इसके बाद हम आते हैं एक और बहुत ही क्लासिक पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म जिसमें तीन हीरोज थे, पूल मेरे गुलशन का, और काफ़ी अरसे के बाद वज्रात और ज़ेबा इस फिल्म में साथ थे, और वज्रात ने देवर का किरदार अदा किया था। इस फिल्म का एक गाना छेड़ छाड़ करूंगा अबादार करूंगा, चाहे हाथ जोड़िए चाहे मुख मोड़िए। अगली फिल्म है दुश्मन, ये परवेज मलिक की फिल्म थी, परवेज मलिक ने काफ़ी अरसे के बाद वज्रात को अपनी फिल्म में चांस दिया। दुश्मन में वैसे तो बहुत से गाने हैं, एक रजब अली की आवाज़ में बेबी जी सलाम, लेकिन एक और गाना है जो हरियाली पे पिक्चर्स हुआ है कि अर धड़कन में जाग उठा है एक नया पैगाम, और ये वज्रात और मुमताज़ पे पिक्चर्स हुआ है, बहुत खूबसूरत गाना अहमद रुश्दी और रूबीना बदर की आवाज़ में। अगली फिल्म है नन्ना फरिश्ता, इस फिल्म में भी वज्रात ने दीबा के साथ जो छेड़छाड़ किया है, गोरे गोरे गालों वाली, गोरे गोरे गालों वाले काले काले बालों वाले ले गई हाय ले गई मेरा दिल, एक बहुत खूबसूरत गाना। इसके बाद वज्रात की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म जिसमें वज्रात को बहुत अच्छा किरदार दिया गया, और अहमद रुश्दी ने भी जो गाने वज्रात के लिए गाए हैं वो समझ लो कि वो गाना ही हमारे दोनों के लिए, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, क्या पता जिंदगी का
का दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। बहुत खूबसूरत गाना, मधुस्ती की आवाज़ वजमरात पे पिक्चराइज हुआ है। उसके अलावा एक और गाना वजमरात नदीम और मुमताज़ पे पिक्चराइज हुआ है, बुढ़ापे में दिल ना लगाना बड़े मियाँ। इस गाने में अहमद रुश्दी ने वजमराज और नदीम दोनों के लिए अलग अलग टेम्पो में एक ही गाने में अपनी आवाज़ तब्दील की है। अगली फिल्म है मोहब्बत ज़िंदगी है, यह भी वजमराज की एक बेहतरीन फिल्म, बहुत बेहतरीन नगमाती फिल्म। इकबाल अख्तर ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में मुमताज़ वजमराज बिल्कुल ही हाई पिच पे है। इस फिल्म में हालांकि ज़ेबा भी है, मोहम्मद अली भी है, लेकिन ये एक खूबसूरत नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के गाने थे दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे तेरी गली में प्यार और मशरकी रंग को। और ये फिल्म, इसके बाद एक और फिल्म आती है असद तारिक की, एक फ्लॉप फिल्म थी दिलरुबा। इसमें वजमराज का पे गाना है आए जो मुसीकार आज़म और रुख पे दाढ़ी, ये एक नाकाम फिल्म थी। उस फिल्म का ये गाने मशहूर भी नहीं हुए थे। इसके बाद एक फिल्म आती है इज्जत। इस फिल्म में वजमराज तालिश और संगीता ने बेहतरीन किरदार निगारी किए, लेकिन जो उन्होंने जो चार पांच जो गाने जो नीलों पर पिक्चराइज हुए हैं वो बहुत ही वाहियत अंदाज के हैं। इनको नीलों को ये किरदार करना ही नहीं चाहिए था। इस फिल्म का एक गाना तो ज़्यादा मशहूर था कि हज़ार बार मना किया मेरी गली न सही हो आना, ये सबर इकबाल की आवाज़ में था। लेकिन वजमराज पे एक गाना था साथ ही छोड़ो ना दामन तेरा, ये दो गाना है। इस फिल्म का एक और गाना है जिसका मैं यह जिक्र नहीं करना चाहता, और बाद में फिल्म के अंदर भी वो गाना काट दिया गया। उसके बाद आती है फिल्म आपका खादिम। इस फिल्म का भी एक गाना है तू मेरी है, ये दो गाना है, नजमा और वजमत पे पिक्चराइज हुआ है। उसके बाद एक और फिल्म आती है महबूब मेरा मस्ताना। इस फिल्म के भी गाने बहुत खूबसूरत हैं, कलियों से हंसी और दिल तोड़ने वाले। आगे आते हैं असलम डार की एक और खूबसूरत फिल्म जो जिसमें वजमराज अकेले होते हैं, उसके साथ तीन इवेंट्स होती है, दीबा, आसिया और सायका। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर था जाने वाले पलट के देख ले। उसके बाद फिल्म आती है अपने हुए पराए। इस फिल्म का भी गाना है एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, ये वजमराज पे। उसके बाद हम आते हैं हिदायतकार अजीज़ुल हसन की फिल्म परस्तिश, एक बहुत खूबसूरत फिल्म वजमराज नदीम दीबा मुमताज़ की। इस फिल्म के तमाम ही सुपरहिट गाना हिदायतकार ये बल्कि मुसीकार वाजिद अली नाशाद की पहली फिल्म थी जिसने इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत धुने मेहनत की आवाज़ में पिक्चर हुई की हैं। इस फिल्म का एक गाना है आंखों से तुम जाना नहीं दूर। इसके बाद एक और फिल्म आती है आई लव यू, ये जमशेद नकवी की फिल्म थी। जमशेद नकवी के फेवरेट हीरो वजमराज थे, अपनी हर फिल्म में वजमराज को बेहतरीन किरदारों में चांस करते देते थे और बड़े अच्छे म्यूज़िक लवर्स थे और उसकी फिल्म के तमाम ही गाने हिट होते थे। इस फिल्म का एक गाना है दिल 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 लुट गया, प्यार 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 हो गया। इस गाने को या इस फिल्म को सेम टू सेम इंडिया ने कॉपी भी किया और इस गाने को भी कॉपी किया, लेकिन वजमराज कहाँ से लाएंगे, वजमराज इंडिया वाले कहाँ से लाएंगे? उस तरह वो पिक्चराइज नहीं हुआ, ना अहमद रुश्दी वो ला सकते हैं, ना वजमराज ला सकते हैं। बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी आई लव यू। अब हम आते हैं उस फिल्म की बात करते हैं जो इन दोनों की मुश्तरका आखिरी फिल्म थी, जो वजमराज की भी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वजमराज थे, वो बहुत इस फिल्म से मोहब्बत करते थे और वजमराज के मरने के बाद ये फिल्म रिलीज हुई, वो फिल्म है हीरो। इस फिल्म का गाना है बन के मिश्रा गजल का तुम चली आओ ना, बन के मिश्रा गजल का चली आओ ना वरना शायर का दिल टूट जाएगा। इन दोनों की मुश्तरका आखिरी फिल्म
और इस तरह मेरा प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पदीर होता है। लेकिन वैद मुराद और अहमद रुश्दी जब तक दुनिया कायम है, जब तक फिल्म इंडस्ट्री कायम है, जब तक पाकिस्तान में फिल्म देखने वाले, पाकिस्तान की माजी से मोहब्बत करने वाले, माजी की फिल्मों से मोहब्बत करने वाले लोग ज़िंदा हैं, ये फ़नकार ज़िंदा रहेंगे। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।